आज मैं जिस काव्य की बात करने वाला हूं उसने सचमुच नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। दर्शन, फिलॉसफी, वेदांत को पॉपुलराइज करके दिखा दिया। ये रुबाइयां सुनने से पहले एक दो बातें समझ लीजिए और जान लीजिए। पहली बात, बच्चन साहब हरिवंश राय बच्चन जी शराब नहीं पीते थे। आपको हर रुबाई में कुछ कॉमन वर्ड्स मिलेंगे, जैसे मधु, मदिरा, मदिरालय, मधुशाला, हाला, प्याला और साकी बाला। इनके अर्थ आप जानते हैं, लेकिन अगर शब्दकोश वाले अर्थ पर ठहर गए तो ये वैसे ही होगा कि आप बोतल के लेबल पर रुक गए और अंदर की शराब नहीं चखी। यहां बोतल का मतलब है दुनिया और शराब का इश्क, अध्यात्म। तो मैं हरिवंश राय बच्चन की तरफ से जीवन की इस मधुशाला में आपको आमंत्रित करता हूं, आए और जम के पिए। भावुकता अंगूर लता से खींच कल्पना की हाला, कवि साकी बनकर आया है भरकर कविता का प्याला। कभी न कण भर खाली होगा, लाख पिए दो लाख पिए, पाठक गण है पीने वाले, पुस्तक मेरी मधुशाला। इस मधुशाला में दाखिल होने की शर्तें हैं और पहली शर्त है नशा करने का, पीने का सलीका, पीने की तमीज। लाल सुरा की धार लपट सी, कहना इसे देना ज्वाला, ये आग नहीं है। लाल सुरा की धार लपट सी, कहना इसे देना ज्वाला, फेनिल मदिरा है मत इसको कह देना उर का छाला। दर्द नशा है इस मदिरा का, विगत स्मृतियां साकी हैं, पीड़ा में आनंद जैसे हो आए मेरी मधुशाला। जिसे दर्द में चैन मिलता हो इस मधुशाला में आने का हकदार वही है, जिसे जिंदगी ने सताया नहीं, आजमाया नहीं, जिसके पैरों में बिवाइयां नहीं फटी, जिसने जुदाइयां नहीं देखी, वो अंदर आ भी गया तो सूखे होंठ लिए लौट जाएगा। तुम न कर पाओगे अंदाजा तबाही का मेरी, तुमने देखा ही नहीं कोई खंडहर शाम के बाद। और इस मदिरालय में आने का रास्ता क्या है? मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूं राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। मुझे गुमराही का नहीं कोई खौफ, तेरे दर को हर रास्ता जाए है। ये मधुशाला उनकी है जो नासमझ हैं, जो पागल हैं, जो सरफिरे हैं, जो आजाद हैं, जिन्हें ईश्वर को समझने का अहंकार नहीं है। अक्ल में जो घिर गया ला इंतहा कैसे हुआ, जो समझ में आ गया वो खुदा कैसे हुआ। बच्चन लिखते हैं, धर्म ग्रंथ सब जला चुकी है जिसके अंतर की ज्वाला, मंदिर मस्जिद गिरजे सबको तोड़ चुका जो मतवाला, पंडित मोमिन पादरियों के फंदों को जो काट चुका, कर सकती है आज उसी का स्वागत मेरी मधुशाला। जो आजाद हो धर्म से, मजहब से, हर तरह से, वही इस मधुशाला में दाखिल हो सकता है। बजी न मंदिर में घड़ियाली, चढ़ी न प्रतिमा पर माला। ऐसे भी दिन आए जब मंदिर में घंटे नहीं बजे और प्रतिमा पर मालाएं नहीं चढ़ी। बजी न मंदिर में घड़ियाली, चढ़ी न प्रतिमा पर माला, बैठा अपने भवन मुअज्जिन देकर मस्जिद में ताला, जिसको अजान देनी थी वो मस्जिद में ताला देकर अपने घर में बैठा रहा। लुटे खजाने नरपतियों के, गिरी गढ़ों की दीवारें, राजाओं के खजाने लुट गए, किलों की दीवारें गिर गईं। लुटे खजाने नरपतियों के, गिरी गढ़ों की दीवारें, रहे मुबारक पीने वाले, खुली रहे ये मधुशाला। मधुशाला के दरवाजे पे कभी ताला नहीं लगा, हमेशा खुली रही। ये वो मधुशाला है जिसके बारे में बच्चन कहते हैं कि एक बरस में एक बार ही जलती होली की ज्वाला, एक बरस में एक बार ही जलती होली की ज्वाला, एक बार ही लगती बाजी जलती दीपों की माला। दुनिया वालों किंतु किसी दिन आ मदिरालय में देखो, दिन को होली रात दिवाली रोज मनाती मधुशाला। जो पीने वाले हैं उनका जश्न रातों दिन चलता रहता है। मुसलमान और हिंदू हैं दो एक, मगर उनका प्याला। मुसलमान और हिंदू हैं दो
एक मगर उनका प्याला, एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनकी हाला। कोई हिंदू की शराब अलग, मुसलमान की शराब अलग नहीं होती। हिंदू का मदिरालय अलग, मुसलमान का मदिरालय अलग नहीं होता। ये अलग बात है कि हिंदुओं का भगवान मंदिर में रहता है और मुसलमानों का खुदा मस्जिद में, लेकिन उनके मदिरालय तो एक ही हैं। मुसलमान और हिंदू हैं दो, एक मगर उनका प्याला, एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनकी हाला। दोनों रहते एक न जब तक मंदिर मस्जिद में जाते, बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला। मंदिरों और मस्जिदों में दुश्मनी होती है, लेकिन मैखानों में, शराब खानों में मिलके जाम छलकाए जाते हैं, वहां सिर्फ मोहब्बत होती है, सिर्फ दोस्ती होती है। यज्ञ अग्नि सी धधक रही है मधु की भट्टी की ज्वाला। जहां शराब ढाली जाती है वो भट्टी यज्ञ की अग्नि की तरह दहक रही है, धधक रही है। यज्ञ अग्नि सी धधक रही है मधु की भट्टी की ज्वाला। ऋषि सा ध्यान लगा बैठा है हर मदिरा पीने वाला। मुनि कन्याओं सी मधुघट ले फिरती साकी बालाएं। किसी तपोवन से क्या कम है मेरी पावन मधुशाला। ये तपस्थली है मेरी। बच्चन वेदांत और अध्यात्म की बात करते हैं, लेकिन उसी के साथ जब इश्क के बारे में बोलते हैं तो ऐसा बोलते हैं, ऐसा लिखते हैं कि पढ़ने वाले पढ़ते रह जाएं, सुनने वाले सुनते रह जाएं। जिसने इश्क नहीं किया वो क्या जिया। तू अगर इश्क में बर्बाद नहीं हो सकता, जा तुझे कोई सबक याद नहीं हो सकता। लालायित अधरों से जिसने हाय नहीं चूमी हाला। हर्ष विकंपित कर से जिसने हा न छुआ मधु का प्याला। जिसने कांपते हुए हाथों से शराब का प्याला छुआ नहीं। हर्ष विकंपित कर से जिसने हा न छुआ मधु का प्याला। हाथ पकड़ लज्जित साकी का पास नहीं जिसने खींचा। व्यर्थ सुखा डाली जीवन की उसने मधुमय मधुशाला। तुमने अपनी सांसें बर्बाद कर दी, जिंदगी बर्बाद कर दी अगर तुमने इश्क नहीं किया। सुमुखी तुम्हारा सुंदर मुख ही मुझको कंचन का प्याला। तुम्हारा चेहरा ही मेरे लिए सोने के प्याले में भरी हुई शराब है। सुमुखी तुम्हारा सुंदर मुख ही मुझको कंचन का प्याला। छलक रही है जिसमें माणिक रूप मधुर मादक हाला। मैं ही साकी बनता, मैं ही पीने वाला बनता हूँ। जहाँ कहीं मिल बैठे हम तुम, वहीं गई हो मधुशाला। मधुशाला कहाँ है जहाँ हम और तुम मिल गए। नहीं चाहता आगे बढ़कर छीनूं औरों की हाला। हमें किसी की जमीन छीनने का शौक नहीं, हमें तो अपनी जमीन पर हलों की हाजत है, साहिर कहते थे। नहीं चाहता आगे बढ़कर छीनूं औरों की हाला। नहीं चाहता धक्के देकर छीनूं औरों का प्याला। साकी मेरी ओर न देखो मुझको तनिक मलाल नहीं। इतना ही क्या कम आंखों से देख रहा हूं मधुशाला। गालिब भी कहते थे गो हाथ को जुम्बिश नहीं, आंखों में तो दम है। रहने दो अभी सागरों मीना मेरे आगे। मैं इतना कमजोर हो चुका हूं, इतना लाचार हो चुका हूं, हाथ इतने अशक्त हैं कि अब शराब का प्याला अपने हाथों से उठा भी नहीं सकता, लेकिन आंखें बाकी हैं, आंखों में रोशनी सलामत है, तो ये प्याला कम से कम मेरी आंखों के सामने तो रहने दो, इससे ही तसल्ली कर लूंगा। अब आप सोचिए कि ना गालिब शराब के प्याले की बात कर रहे थे और न बच्चन कर रहे हैं। दोनों के लिए प्याले का एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट है। प्याला यानी प्यार, प्याला यानी इश्क, प्याला यानी जिंदगी। बहु तेरे मदिरालय देखे, बहु तेरे देखी हाला। हजारों शराब खाने देखे और हजारों तरह की शराबें चखी। बहु तेरे मदिरालय देखे, बहु तेरे देखी हाला। भांति भांति का आया मेरे हाथों में मधु का प्याला। एक एक से बढ़कर सुंदर साकी ने सत्कार किया। जची न आंखों में पर कोई पहले जैसी मधुशाला। जो बात तुम में थी किसी और में कहा। अहमद फराज कहते हैं ये महरूमी नहीं पासे वफा है। ऐसा नहीं कि मुझे कोई और मिल नहीं सकता या मिला नहीं, लेकिन यह वफादारी का लिहाज है। ये महरूमी नहीं पासे वफा है, कोई तेरे सिवा देखा न जाए। ये आंखें किसी और को देखती ही नहीं है, ये मोहब्बत का, वफादारी का लिहाज है। उस प्याले से प्यार मुझे जो दूर हथेली से प्याला। उस प्याले से प्यार मुझे जो दूर हथेली से प्याला। उस हाला से चाऊ मुझे जो दूर अधर मुख से हाला। प्यार नहीं पा जाने में है, पाने के अरमानों में। पा जाते तब हाय न इतनी प्यारी लगती मधुशाला। अगर पा जाते तो ये मधुशाला इतनी अजीज नहीं लगती।
बूंद बूंद के हेतु कभी तुझको तरसाएगी हाला, बूंद बूंद के हेतु कभी तुझको तरसाएगी हाला, कभी हाथ से छिन जाएगा तेरे ये मादक प्याला। पीने वाले साकी की मीठी बातों में मत आना, मेरा भी गुण यूं ही गाती एक दिवस थी मधुशाला। ये लड़की जो आज तुझ पे कुर्बान है, जो तुझ पे जान लुटा रही है, कभी मुझे भी इतना ही प्यार करती थी। ले मेरे तजुर्बों से सबक ए मेरे रकीब, दो चार साल उम्र में तुझसे बड़ा हूं मैं। ये न समझना पिया हलाहल मैंने जब न मिली हला, ऐसा मत समझना कि जब मुझे शराब नहीं मिली तो मैंने जहर पी लिया। ऐसा नहीं है, मेरे सामने शराब भी मौजूद थी, फिर भी अपनी मर्जी से मैंने जहर वाला प्याला उठा लिया। ये ना समझना पिया हलाहल मैंने जब न मिली हाला, तब मैंने खप्पर अपनाया ले सकता था जब प्याला। जले हृदय को और जलाना सूझा मैंने मरघट को अपनाया, जब इन चरणों में लौट रही थी मधुशाला। जब मेरे कदमों में पूरी दुनिया की वसतें, पूरी दुनिया की आसाइशें बिछी हुई थी, तब मैंने फुरकतें चुन ली, तब मैंने गरीबी चुन ली, तब मैंने महरूमी चुन ली। ये मेरा चुनाव था, ये मेरा चॉइस है। कटोरा लेके फिरना तो हमारा शौक है, वरना कई सुल्तान शामिल हैं हमारे कर्जदारों में। कृष्ण बिहारी नूर कहते हैं, मैं तो गजल सुना के अकेला खड़ा रहा, मैं तो गजल सुना के अकेला खड़ा रहा, सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए। कितने मन के महल ढहे तब खड़ी हुई ये मधुशाला। मधुशाला जिंदगी से इश्क की कहानी है। बच्चन एक एक पल की कीमत समझते हैं, वो जानते हैं कि जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती। छोटे से जीवन में कितना प्यार करूं पी लूं हाला, छोटे से जीवन में कितना प्यार करूं पी लूं हाला, आने के ही साथ जगत में कहलाया जाने वाला, स्वागत के ही साथ विदा की होते देखी तैयारी, बंद लगी होने खुलते ही मेरी जीवन मधुशाला। जीवन बहुत छोटा है, जिंदगी बहुत छोटी है। उम्रे दराज मांग के लाए थे चार दिन, दो आरजू में कट गए दो इंतजार में। हरिवंश राय बच्चन जानते हैं कि एक दिन सबको इस दुनिया से जाना है, कोई यहां हमेशा रहने के लिए नहीं आया। एक मुसाफिर के सफर जैसी है सबकी दुनिया, कोई जल्दी में कोई देर में जाने वाला। यम आएगा साकी बनकर साथ लिए काली हाला, यम आएगा साकी बनकर साथ लिए काली हाला, पी न होश में फिर आएगा सुरा विसुध ये मतवाला। और यम जो तुम्हें आखिरी शराब पिलाएगा, उसके बाद तुम फिर कभी होश में नहीं आओगे। पी न होश में फिर आएगा सुरा विसुध यह मत वाला, यह अंतिम बेहोशी अंतिम साकी अंतिम प्याला है, पथिक प्यार से पीना इसको फिर न मिलेगी मधुशाला। ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी, जितने पल मिले हैं प्यार से जी लो। मधुशाला की सबसे गहरी रुबाइयां वो हैं जहां बच्चन ने अपनी मौत को रोमांटिसाइज किया है। उससे डरे नहीं, घबराए नहीं, उससे कोई दूरी नहीं बनाई, बल्कि मौत को एक प्रेयसी की तरह गले लगा लिया, उसके लिए अपनी बाहें खोल दी। और दुनिया छोड़ने से पहले ऐसी वसीयत लिख गए, ऐसी आखिरी इच्छाएं लिख गए जो उनके बाद न कभी सुनी गई न कभी पढ़ी गई। बच्चन लिखते हैं कि मेरे अधरों पर हो अंतिम वस्तु न तुलसी दल प्याला, मेरे होंठों पर जो आखिरी चीज हो वो तुलसी के पत्ते नहीं हो, वो प्याला हो। मेरे अधरों पर हो अंतिम वस्तु न तुलसी दल प्याला, मेरी जिह्वा पर हो अंतिम वस्तु न गंगा जल हाला, मेरी जबान पर जो आखिरी चीज हो वो गंगा जल नहीं, वो शराब हो। मेरी जिह्वा पर हो अंतिम वस्तु न गंगा जल हाला, मेरे शव के पीछे चलने वालों याद इसे रखना, राम नाम है सत्य न कहना, कहना सच्ची मधुशाला। मेरे शव पर वो रोए हो जिसके आंसू में हाला, जिसके आंसुओं में शराब नहीं है उसे मेरी लाश पर रोने का भी हक नहीं है। मेरे शव पर वह रोए हो जिसके आंसू में हाला, आह भरे वो जो हो सुरभित मदिरा पीकर मतवाला, दे मुझको वो कंधा जिनके पद मग डग मग होते हूं, और जलूं उस ठौर जहां पर कभी रही हो मधुशाला, मुझे वहीं जलाना जहां कभी शराब खाना रहा हो, जहां कभी मधुशाला रही हो। और चिता पर जाए उड़ेला पात्र न घृत का पर प्याला,
घी के डब्बे मत उड़ेलना मेरी चिता पर, शराब के प्याले उड़ेलना। और चिता पर जाए उड़ेला पात्र न घृत का पर प्याला, घंट बंधे अंगूर लता में नीर न भर कर भर हाला। प्राण प्रिय यदि श्राद्ध करो तुम मेरा तो ऐसे करना, पीने वालों को बुलवा कर खुलवा देना मधुशाला। ऐसे होना चाहिए मेरा श्राद्ध। और हरिवंश राय बच्चन अपने बेटों से जो कह के जाते हैं वो आप जरूर सुने। वो कहते हैं कि पितृ पक्ष में पुत्र उठाना अर्धिन कर में पर प्याला। जब पितृ पक्ष आए तो कोई आचमन मत करना मेरे लिए, हाथों में प्याला उठा लेना। पितृ पक्ष में पुत्र उठाना अर्धिन कर में पर प्याला, बैठ कहीं पर जाना गंगा सागर में भरकर हाला। किसी जगह की मिट्टी भीगे तृप्ति मुझे मिल जाएगी, तर्पण अर्पण करना मुझको पढ़ पढ़ करके मधुशाला। मैं और आप बच्चन की मधुशाला पढ़ते रहेंगे, उनको तर्पण अर्पण करते रहेंगे। बच्चन नहीं रहे पर उनकी मधुशाला है और हमेशा रहेगी। थैंक यू फॉर योर टाइम। सब जानते थे कि संध्या पूजन के समय कर्ण से जो मांगो वो मिलता है। इंद्र ब्राह्मण का वेश बनाकर कर्ण से दान मांगने आए और कुछ ऐसा मांग लिया जिसे देने का मतलब था जीते जी अपने प्राणों को दान कर देना। क्या मांगा इंद्र ने और क्या कर्ण संध्या के समय किसी याचक को खाली हाथ न लौटाने की अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रह सका, ये है आज का प्रसंग। दिनकर जी ने उर्वशी की एक एक पंक्ति को जादू जैसा लिखा है, लेकिन वो अंश मुझे सबसे ज्यादा झकझोरता है जहां पूर्वा जैसा प्रतापी जिसे हराने वाला पृथ्वी पर कोई पैदा ही नहीं हुआ, वो प्रेम के आगे घुटने टेक देता है और अपनी पराजय स्वीकार करता है। सुनिए दिनकर के शब्दों में पूर्वा क्या कह रहे हैं उर्वशी से। किसी को अकेले प्यार करते रहना एक तरफा बहुत मुश्किल है। उसकी तरफ से ना कोई तवज्जो, ना कोई वादा, ना कोई आश्वासन, फिर भी प्यार करना है और टूट के प्यार करना है। सोच के देखिए, दुनिया के हर एक तरफा प्यार में जरा सी उम्मीद, जरा सी गुंजाइश तो होती है कि शायद एक दिन वक्त का पहिया घूमे और वो मेरा हो जाए। वो भी इसी दुनिया में है, मैं भी, पता नहीं कहाँ हमारे रास्ते टकरा जाएं, कौन से मोड़ पर नियति को तरस आ जाए और उसके हाथ मेरे हाथों में आ जाएं। ऐसा है तो मनुज लोक निश्चय आदर पाएगा, स्वर्ग किसी दिन भीख मांगने मिट्टी पर आएगा। किंतु भाग्य है बलि कौन किससे कितना पाता है, यह लेखा नर के ललाट में ही देखा जाता है।